अभी हाल ही में आपने अफगानिस्तान का एक दिल दहला देने वाला वीडियो देखा होगा जो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में यूएस एयरफोर्स की प्लेन पर कई अफगानिस्तान के लोग तालिबान से अपनी जान बचाने के लिए मौजूद थे, जो अफगानिस्तान से किसी भी तरह भागना चाहते थे। कई लोग जगह नहीं मिलने पर प्लेन के बाहर कॉकपिट और दरवाजे के सहारे खड़े हो गए। प्लेन चलने पर कई लोगों की प्लेन से गिरकर मौत भी हो गई। इसका हमने एक भयावह वीडियो भी देखा है। इस वीडियो को देखने के बाद सभी लोग सोच रहे होंगे कि प्लेन के बाहर से कोई जिंदा कैसे पहुंच सकता है भला। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, मगर एक ऐसा किस्सा मैं आपको बताने जा रही हूं जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये सच भी हो सकता है। दरअसल एक भारतीय ने ये कारनामा कर दिखाया है। वो दिल्ली से लंदन प्लेन के बाहर बैठकर सुरक्षित पहुंच गया है। जब इस बात की खबर पूरी दुनिया को पता चली तो लोग हक्के बक्के रह गए। एक खबर के अनुसार बात 1996 की है, जब भारत के पंजाब के रहने वाले दो भाई प्रदीप सैनी और विजय सैनी ब्रिटिश एयरवेज के एक विमान के लैंडिंग गियर में छिपकर भारत से लंदन पहुंच गए थे। इन दोनों भाइयों की कहानी ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया। दरअसल ये दोनों भाई लंदन जाना चाहते थे। इन दोनों के पास न तो वीजा था और न ही इतने पैसे। ऐसे में इन्होंने प्लेन से भागने का प्लान किया। दोनों भाई पंजाब से दिल्ली आ गए, यहाँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की रेकी की। मौका मिलते ही एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गए और लोगों से छिपकर प्लेन के पहिए के पास लैंडिंग गियर में बैठ गए। दोनों भाई लंदन जाने के लिए इतने उत्सुक थे कि अपनी जान की परवाह तक नहीं की। लंदन से दिल्ली की दूरी लगभग 6500 किलोमीटर है। प्लेन से ये रास्ता 10 घंटे का है। ऐसे में इन दोनों भाइयों ने लैंडिंग गियर में छिपकर लंदन जाने का फैसला लिया। जब ये लंदन पहुंचे तो ठंड के मारे और इंजन की आवाज के शोर के कारण ये होश में थे ही नहीं। दुर्भाग्य से प्रदीप सैनी तो बच गए, मगर उनका छोटा भाई विजय सैनी नहीं बच पाए। रास्ते में ही वो प्लेन से गिर गए। प्रदीप की हालत खराब होने पर उन्हें लंदन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। होश आने के बाद जब प्रदीप ने अपनी व्यथा सुनाई, अपनी कहानी सुनाई तो सभी चौंक गए। किसी भी आम इंसान को इतनी सहनशीलता नहीं होती है, वो इतना नहीं सहन कर सकता जितना प्रदीप सैनी ने सहन किया है। 10 घंटे के सफर में 60 डिग्री सेल्सियस का डरावना तापमान। अवैध रूप से ब्रिटेन में घुसने के कारण प्रदीप को 18 साल तक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। अंत में प्रदीप को बरी कर दिया गया। अब वो ब्रिटिश नागरिक हैं और लंदन के एयरपोर्ट पर ड्राइवर का काम करते हैं। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।